ताकि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार वहां पर कार्रवाई भी चल रही है और लोकसभा में कार्रवाई के दौरान जो दो लोग घुसे थे उनमें से एक का नाम सागर बताया जा रहा है। दोनों आरोपी सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए हुए थे और सदन के अंदर दो लोगों ने धुआं छोड़ा। वहीं सदन के बाहर एक महिला और एक आदमी ने पीले रंग का धुआं वहां पर छोड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर बाहर कर दिया। इस दौरान ये लोग नारेबाजी भी करते देखे गए। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर, संसद में ये आदमी घुसते हैं विजिटर गैलरी से। दो लोग होते हैं, एक जो है बेंच फांदता है, तीन बेंच को फांदता है, उसके बाद सांसद उसको पकड़ते हैं और न सिर्फ पकड़ते हैं बल्कि उसकी पिटाई भी करते हैं। और देखिए दूसरी तस्वीर में ये संसद के अंदर किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, कैसे वहां पर धुआं छा गया था, ये उस वक्त की आप तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन संसद के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर एक महिला और एक पुरुष को वहां से पकड़ा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने इस घटना के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक की जांच चल रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए जब तक उस पर मेरी तरफ से सर्व होने, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो दो लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा में जब यह हमला हुआ उस वक्त स्पीकर की चेयर राजेंद्र अग्रवाल थे जिन्होंने इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है। कूदा उसने, फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट 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 करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। सिक्योरिटी से तो काफी सिक्योरिटी से गुजरे, हमारा चेक हुआ, बायोमेट्रिक वगैरह ये सब चेक हुआ पहले, और वगैरह तो सब सही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा वहाँ से कूद गया। अच्छा, अब एक्चुअली बात ये है ना कि सबके तो पास बन के जाते हैं और सबका बायोमेट्रिक से आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होकर तब जाते हैं। अब ऐसा किसी को वो भी नहीं कर सकते कि वो क्या ले रहा हो क्या नहीं, लेकिन सिक्योरिटी से वहाँ पे सबको चेक भी कर रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन कोई ले जा रहा है अंदर से वो कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी ब्रीच रहा ही होगा जिस वजह से ऐसा। जिसके द्वारा वो पास बनाया गया उसकी जाँच वगैरह होनी चाहिए अच्छे से। तो देखिए सदन के अंदर पहुंचकर कैसे ये दो लोग वहां पर कूदते हैं और अफरा तफरी का माहौल वहां हो जाता है, लेकिन इनकी एंट्री कैसे हुई वहां पर? एंट्री तभी होती है जब पास बनता है। अब हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर संसद में जाने के लिए, दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए पास कैसे बनता है। बिल्कुल, कई सारे चरण इसके लिए होते हैं। पहला चरण आपको बताते हैं कि सांसद की स्वीकृति बेहद जरूरी होती है पास बनने के लिए। और देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है, सांसद के स्तर पर वेरिफिकेशन कराया जाता है, जांच कराई जाती है, जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी जांच होती है। अब तीसरा चरण आपको समझाते हैं, संसद के दफ्तर में ये भेजा जाता है, ये चरण भी काफी अहम हो जाता है। अब चौथा चरण ये कि वेरिफिकेशन के बाद अगले दिन का पास तैयार किया जाता है, जिस दिन आपको जाकर कार्रवाई देखनी है उस दिन का पास तैयार होता है। पांचवा चरण, गेट से सदन तक भारी सुरक्षा जांच होती है, यानी कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है, फिर जाकर के वो पहुंच पाते हैं। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि छठे चरण में दर्शक दीर्घा से पहले सारे सामान जो है वो निकाल दिए जाते हैं। अब सातवां चरण हम आपको बता रहे हैं, लेकिन रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रवि, क्या अपडेट है आपके पास, क्या तस्वीर? देखिए 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 तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से वो तमाम जो सैंपल्स हैं, जो जिस केमिकल्स की बात की जा रही थी कि केमिकल्स लेकर दोनों युवक पहुंचे थे, इसके बाद स्प्रे किया था पार्लियामेंट की कार्यवाही के दौरान और उस समय तमाम जो सांसदों की मौजूदगी दौरान, ये देखिए फोरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है और इसके बाद सैंपल यहां पर उठाए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम और इसके बाद जांच की जाएगी, ये देखा जाएगा कि ये केमिकल्स कितना ज्यादा खतरनाक था, कितना ज्यादा घातक था। हालांकि पार्लियामेंट की तरफ से तमाम सांसदों को यह आश्वस्त किया गया था कि किया जा चुका है कि ये केमिकल्स खतरनाक नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये एक 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 प्रोसीडिंग होती है कि जो सैंपल यहाँ पर फॉरेंसिक टीम उठाती है और उसके बाद इसकी जांच बाकायदा की जाएगी कि आखिर में कितने ज्यादा खतरनाक ये सैंपल्स हैं और जो केमिकल्स वो कहाँ से लिए गए थे, किस जगह से खरीदे गए थे, कौन से दुकान से खरीदे गए थे, तो ये तमाम जांच का विषय है और ये तमाम इसकी फोटोग्राफी भी हो रही है और इस समय सैंपल दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम उठा रही है और इसके बाद इसकी जांच की जाएगी बाकायदा। जो फॉरेंसिक टीम की पूरी यहाँ पर पहुंची है और ये इसकी जांच की जाएगी।
4 बजे इसको लेकर एक मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें सर्वदलीय बैठक होगी। उस बैठक में तमाम जो स्ट्रेटजी वो तय की जाएगी। हालांकि सांसदों को यह बताया गया है कि इससे किसी तरीके का नुकसान वाला जो ये केमिकल्स नहीं था, लेकिन अब उसको पूरा का पूरा सर्कल किया गया। ये एक देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सर्कल किया गया है, घेरेबंदी की गई है और उस जगह पर कोई भी जा नहीं सकता। सिर्फ फॉरेंसिक टीम है, दिल्ली पुलिस के लोग हैं और इस सैंपल को उठाकर अब जांच की जाएगी। और दूसरी तरफ मैं दिखाऊं की पूरी टीम यहां पर मौजूद है, फॉरेंसिक की गाड़ी भी मौजूद है इस समय पार्लियामेंट के गेट, और इसके ठीक पास में जो ट्रांसपोर्ट भवन है, परिवहन मंत्रालय का जो ट्रांसपोर्ट भवन है, उस जगह पर भी दो युवकों ने नारेबाजी की थी। पार्लियामेंट के अंदर दो युवक जो स्प्रे लेकर पहुंचे थे, बताया जा रहा है कि जूते के अंदर, क्योंकि जूतों की जांच नहीं की जाती है, तमाम पूरा का पूरा जांच की जाती है, कपड़े की जांच की जाती है और कोई भी सामान अंदर नहीं ले जा सकता है। और उसके बाद जो अभी मैसूर के सांसद के रिकमेंडेशन के आधार पर वो दोनों युवक अंदर पहुंचे थे, लेकिन अब तमाम जो कार्रवाई है, क्योंकि आज ही पार्लियामेंट की जो अटैक की बरसी है, 2001 में बड़ा हमला हुआ था और आज ही के दिन इस तरीके की जो सुरक्षा में चूक है वो उसको देखकर तमाम लोग इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर में कैसे चूक है यहाँ पे, क्योंकि सुरक्षा की तमाम जो लेयर्स होते हैं उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति होती है। तो फिलहाल तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप दर्शक देख रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम इस समय जांच कर रही है, उसको सैंपल उठाया जा रहा है, इसकी बाकायदा जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा कि ये केमिकल्स कितने ज्यादा खतरनाक है। ठीक है अभी आपको रोकेंगे। मलूक नागर जो कि सांसद उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की थी, पकड़ा था, बल्कि उसकी पिटाई भी की थी, उनसे खास बातचीत की है, ये आपको सुनवाते हैं। और उस दौरान जो कार्रवाई चल रही थी उस दौरान ये मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन युवकों को पकड़ने में इनका बड़ा योगदान रहा है। मलूक जी बताए कि क्या हुआ था। देखिए 5 या 6 मिनट एग्जैक्ट बची थी 0 आवर के समय में और फिर लंच हो जाना था, तो जैसे ही पीछे से धड़ोम जैसी आवाज आई तो मुड़ के देखा ये कोई गिरा या किसी ने धक्का दे दिया या इसका पैर रपट गया, तो देख ही रहे थे तो ऊपर से एक और कूदा, तो जैसे ही ऊपर से कूदा तो बिल्कुल साफ लग गया कि इंटेंशन खराब है इन लोगों की, तो उसकी तरफ को वो जो पहले वाला था, जब तक जो दूसरा कूदा वो तो पड़ा ही रह गया, जो पहले वाला था वो उठ करके और भागा, जिधर से निकलते हैं उसमें नहीं गया, वो जिधर भागते हैं उसमें नहीं गया, वो सीटों के ऊपर जंप 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 तीसरी रो में जंप कर रहा था, उधर से हम भागे, एक तरफ से बेनीवाल भागा और उसको जाके दबोचने वाले थे तो तुरंत उसने जूता निकाला। अच्छा। तो एक सेकंड को हमें झटका सा लगा कि कहीं ये जूता फेंक के मारेगा, फिर लगा चाहे मारे कम से कम वेपन हुआ और वो निकाल ले तो वो खतरनाक रहेगा, इसलिए पूरी दबोचा, मुंह की तरफ से उसने दबोचा, पिछली तरफ से यहां से पकड़ के बीच के हिस्से में से मैंने पकड़ा और 4-5 MP और आगे और उसकी पिटाई करनी शुरू करी, तो उसमें से जो जूते में से उसने कोई चीज निकाली थी और ध्यान उसका उसे खींचने में गया, खोलने में गया, और उसके बाद जो धुआं निकला है कुछ पीला सा और कुछ नीला नीला सा और पूरे में धुआं हो गया संसद में भी। दोनों युवकों के जूते में केमिकल्स था या कोई सामान था जो निकालने की कोशिश कर रहे थे वो? दूसरा तो वहां तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, वो तो कहीं जहां से पड़ा है तो गिरा या किसी और ने, हमारे पास तो एक ही कब्जे में पकड़ा जिसको हमने पकड़ा। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोया